नमस्ते आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर मैं विनोद सरोवा प्रख्यात हिंदी साहित्य एक बार पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आप सभी को सत्र 2022-23 की मध्य अवधि अवकाश की सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके त्यौहार वगैरह आराम से बहुत खुशी से बीते, इसी बात की कामना के साथ आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा जो मुख्य बिंदु है ना वीडियो का, वो रहेगा कि मध्य अवधि अवकाश जिसे हम दीपावली के अवकाश के रूप में ज्यादा काम में लेते हैं या अभिहित करते हैं, इसमें परंपरा के अनुसार हमारी परंपरा रही है जब हम खुद पढ़ते थे तब भी, और आज हम जब शिक्षक जैसे गौरवमयी पद पर तैनात हैं तब भी होमवर्क देने की एक परंपरा रही है। अब इस होमवर्क में कई दफा अवैज्ञानिक तरीके से हम होमवर्क दे देते हैं तो वो बच्चे में कहीं ना कहीं कोई कुंठा जागृत कर सकता है। इसलिए हमें बड़ी सोच समझ और एनईपी 2020 के लक्ष्यों, निपुण भारत के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए और होमवर्क देना चाहिए। इस सत्र में मैं ऐसी गुजारिश करता हूं अपने शिक्षक साथियों और विदुषी बहनों से, हमें करना क्या है देखिएगा, दो हमारे पास कुल मिला के 1 से 5 तक का प्राइमरी ग्रुप है, उसके बाद में कक्षा 6-7 का अपर प्राइमरी ग्रुप है, 8वां, 8वीं, 10वीं और 12वीं, ये 3 कक्षाएं हमारी बोर्ड क्लास की होगी, तो 3 ग्रुप हो गए और 9 और 11, कुल मिलाकर हमारे पास 4 ऐसे ग्रुप हैं जिनको हमें होमवर्क देना है। अलग अलग कक्षाओं में अलग अलग विषय अध्यापक अपना अध्यापन कार्य करवा रहे हैं। अब क्या है, एक तो सबसे पहले हमें ये इस बात की तस्दीक करनी, इस बात को सुनिश्चित करना है कि अमुक क्लास में सिर्फ मेरा ही सब्जेक्ट नहीं चलता और भी 5 या 4 सब्जेक्ट चलते, 5 या 6 सब्जेक्ट है ना, जैसे कक्षा 10 तक 6 सब्जेक्ट हैं 6 से 10 तक के, और कक्षा 11 और 12 में कुल मिला के 5 है, तो मेरा अकेले का एक जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट नहीं है, उसके अलावा भी और 4 सब्जेक्ट चलते हैं। तो सबसे पहले तो इस बात को भूल जाए कि मैं जो कर रहा हूँ वो ही सही है या मेरे सब्जेक्ट में ही होमवर्क दिया जाएगा बाकी में नहीं। ये त्यौहार है, दीपावली का टाइम है, घर में साफ सफाई का माहौल भी रहेगा और खेतों में, क्योंकि हमारे पास जो भी बच्चे आने वाले हैं अधिकांश बच्चे खेती से जुड़े हुए हैं तो खेतीबाड़ी का काम भी रहता है, इस बार बारिश हुई है तो चने बुआई का काम भी रहेगा, तो उस हिसाब से दिया जाए कि नए अभिभावकों को सर लगे कि यार कैसे मास्टर हैं, छुट्टी में भी होमवर्क, नए बच्चों को लगे बच्चों का काम भी हो रहा है हमारा भी हो रहा है, हमें होमवर्क भी दे रहे हैं, बच्चे पढ़ाई से छूट भी नहीं रहे, बच्चे पढ़ाई से अलग भी नहीं हो रहे और जुड़े हुए भी हैं, घर वालों का काम भी कर रहे हैं, खेतीबाड़ी में भी मदद करवा रहे हैं, हो सकता है रिश्तेदारी में जाने का जो मौका है वो भी बच्चों को छुट्टियों के दरमियान ही मिलता है तो वहां भी वो जा सकते हैं। 1 से 5 तक की यदि मैं बात करूं तो 1 से 5 तक की हिंदी, अंग्रेजी, गणित, वहां पर न केवल रट्टाफिकेशन, रटने की बजाय उनको समझ के साथ आगे बढ़ने के लिए हम विकसित करें कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं, उन 5 ऐसी बातों को लिखिए जो आपको बहुत पसंद है, 5 ऐसी चीजों को लिखिए जो आपको ना पसंद है, 5 ऐसे कलर, 2 ऐसे कलर, 2 ऐसे पशु, 2 ऐसे पक्षी, इस प्रकार की उनको उनकी पसंद ना पसंद, कौन सा खेल अच्छा लगता है कौन सा खेल अच्छा नहीं लगता, उन चीजों पर हम बच्चों से बात करवाएं कक्षा 1, 2, 3 से तक। उसके बाद में जैसे यदि हम भाषा की बात करें तो भाषा में बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिन पर बात बच्चों से करवाई जा सकती है, बच्चों की जो मौलिक उनके अंदर की जो अनुभूति है उस अनुभूति को हम कागज पर उतरवा सकते हैं। कक्षा 1 और 2 में उसके अलावा जैसे नए हम ये लिख दें कि 1 से लेकर 100 तक गिनती लिखो, नहीं 1 से लेकर 100 तक गिनती नहीं, 1 से लेकर 100 तक गिनती हम लिख के देंगे बीच में से नंबर काट के, अब बच्चे को वहां का करना है, बच्चे से वो पूर्ति करवानी है, इससे बच्चा सोचेगा और आगे लिखेगा। मीनिंग में, गणित में, अंग्रेजी में और हिंदी में भी ऐसे ही, हिंदी में नए नए शब्द दे सकते हैं हम, वर्ग पहेली दे सकते हैं या जो अखबार की जो पहेली आती है उन पहेलियों के विषय में कहा जा सकता है कक्षा 6-7 के बच्चों को कि आप अखबार से उन पहेलियों को काटकर अपनी कॉपी में चिपकाएंगे और उसको पूरा भर कर लेकर आएंगे, जितना भरा जा सकता है, तो बच्चों के पर्यायवाची शब्द वहां पर तैयार हो रहे। ठीक है, कक्षा 8, 10 और 12 इन कक्षाओं को हम अपने अपने सब्जेक्ट से उस प्रकार से आनुपातिक दृष्टि से, आनुपातिक माहौल के अनुसार और होमवर्क दें कि सभी सब्जेक्ट्स का होमवर्क भी मिल जाए,
ज्यादा बोझ भी नहीं बने, घर वालों की मदद भी कर सके, त्योहार में इधर उधर जाना हो तो वहां भी जा सके, साथ ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कक्षा जो 1 से 7, 8, 10 हमने जितने भी पाठ पढ़ाए 1 या 2 प्रश्न वहां से दिए जा सकते हैं। और जहां तक हो सके बच्चे को विचारात्मक प्रश्न दिए जाए वो और ज्यादा बेहतर है कि यदि आप वहां होते तो क्या होता, आपकी पसंद कौन है, उस कहानी में आप किसकी किसको सबसे अधिक पसंद करते हैं और क्यों, तो इस प्रकार के चरित्र चित्रण वगैरह का जो मामला है वो बच्चों को दिया जा सकता है। कक्षा 8, 10, 12 की बात करें, यदि मैं 12वीं कक्षा की बात करूं स्पेशली, तो वहां पर बच्चों से जैसे कवि परिचय और लेखक परिचय, इससे पहले हमें लास्ट ईयर जो 2021-22 में बोर्ड का प्रश्न पत्र आया था, उस बोर्ड के प्रश्न पत्र उस पेपर का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। उस पेपर में जो प्रश्नार्थ आ गए, जिन पाठों से प्रश्न पूछ लिए गए, उन सवालात को न देते हुए उनसे इतर, जैसे मैं अंतराल की बात करूं तो अंतराल में एक प्रश्न ऐसा होगा जो 6 अंक का होगा और 6 प्रश्न ऐसे होंगे जो 1-1 अंक के होंगे। अब क्या होता है, जो एक प्रश्न है 6 अंक वाला वो 2 पाठों में से 1-1 क्वेश्चन होंगे और वहां पर आपको वैकल्पिक व्यवस्था है, कोई सा एक कर सकते हैं। कुल मिलाकर अंतराल में 4 पाठ है, तो बाकी जो 2 बच गए जो लास्ट ईयर पूछे गए थे उनसे इतर जो 2 पाठ बच गए उनमें से आप 6-6 नंबर के 1-1 प्रश्न दे सकते हैं बड़े वाले। उसी प्रकार से जैसे पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी में अपने गांव का माहौल, गांव का नजरी नक्शा बनाना है, स्कूल का नजरी नक्शा बनाना है, जनसंख्या का अनुपात है, इस प्रकार के वहां पर सवाल दिए जा सकते हैं। कक्षा 9 और 11 को हम जितना प्रोजेक्ट वर्क देंगे वो उतना ही ज्यादा बेहतर रहेगा। वजह इसकी क्योंकि बोर्ड की क्लास नहीं है, स्थानीय कक्षा है, परीक्षा में टाइम लगता है, उनकी वार्षिक परीक्षा देरी से होती है, इसलिए उनके पास पूरा टाइम है। अब उनको हम प्रोजेक्ट वर्क दे सकते हैं। यदि मैं बात करूं इतिहास की, तो इतिहास में वो हमारी जो गृहिणियां हैं उनसे बात कर सकते हैं, अपनी मम्मी दादी बुआ से बात कर सकते हैं, चाचे से, कि आज का त्योहार हम इस वर्ष जो दीपावली मना रहे हैं उस दीपावली में और आप मेरी उम्र की थी उस समय की दीपावली में क्या अंतर था, उस समय के मेलों में और आज के समय के मेलों में क्या अंतर है, बच्चों के खर्चों में क्या अंतर है, दुकानें किस प्रकार की सजाई जाती हैं, या गांव में जो दुकानें हैं उन दुकानों में जब दुकानदार ने आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले, 15 साल पहले दुकान शुरू की थी उस समय क्या क्या चीजें लेकर आते थे, आज वो किस प्रकार से चीजें लेकर आते हैं, चीजों की जो आपूर्ति है 10 साल पहले कैसे हुआ करती थी और आज कैसे हो रही है। आज आप देख पा रहे हैं कि गाड़ियों से ही और वहां तक सामान पहुंचाया जाता है, जबकि पहले हम देखते थे और हम देखते क्या थे, बस स्टैंड से दुकानदार की दुकान तक सामान रखने के लिए हम लड़ते झगड़ते थे, लालायित रहते थे। वजह क्या थी, एक एक टोफी टोफियां मिल जाएंगी बस इतना बहुत है, वहां से सामान उठा के वहां से सामान तोक के कंधे पर रख के लाना और दुकान में रखना, इतना ये हमारे लिए बहुत मतलब यूं एक अचीवमेंट हुआ करती थी। खूब सारा बोझ, सब्जी, चीनी, चाय, मसाले सब कुछ लेके आते थे, उठा के लाते थे, बस वो एक एक दो दो टोफियां दे देते थे, हमारा काम निकल रहा था। और भरी दोपहर की बात होती थी, वो 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे का मामला होता था गर्मियों के मौसम में। तो ये सारी चीजें हमें बच्चों से करवा सकते हैं कि अंतर करना है पहले में और आज में, आज में और पहले में जो अंतर आया उस अंतर के पीछे का कारण क्या है, उस अंतर से के पीछे के कारण मिल गया, अब उस अंतर से आज के युग पर, आज के युवा पर, आज के मानव पर और आज के समाज पर क्या फर्क पड़ रहा है, खर्चे कैसे बढ़े हैं, आय कैसे बढ़ी है, खर्चे कैसे कम हुए हैं, आय कैसे कम हो रही है, ये तमाम तरीके की चीजें वहां पर वो बच्चे लिख कर ला सकते हैं अपने अपने कक्षा स्तर के अनुरूप। कक्षा 9 और 11 की बात है, कक्षा 6 और 7 ये सबसे जटिल है। कक्षा 1 से 5 में हमने खालिस्तान दे दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, मामला वहां तक निपट गया। कक्षा 6 से 7 इन 2 कक्षाओं में जैसे मैं भाषा की बात करूं, तो सबसे पहले जैसे एक तो पत्र लेखन वाला है वो तो करवाना ही करवाना है, पत्र लेखन हिंदी में और इंग्लिश में, प्रार्थना पत्र भी और सामान्य पत्र भी, कार्यालय पत्र भी। अब क्या करना है, बच्चों से कहा जाए कि बेटा आप ऐसे शब्दों को चुनकर लाइए जो घर वाले बोलते हैं और हम उनका दूसरा इस्तेमाल करते हैं, जैसे ओळख, पहचान, हम पहचान काम में लेते हैं हिंदी में या हमारे सिलेबस में, जबकि घर वाले कहते हैं कि मैं ओळख्यो कोनी, है ना, कोनी,
उसकी जगह आ गया है ना, तो इस प्रकार के शब्द वो चुन कर ला सकते हैं। ऐसे मुहावरे कौन कौन से हैं, ऐसी कहावतें कौन कौन सी हैं जो आम तौर पर हम अपने घर परिवार गांव समाज मोहल्ले में बड़े बुजुर्गों से, अपने से बड़े से, या अपने जो हम उम्र है या हमारे जो सीनियर विद्यार्थी हैं उनसे बोलते हुए सुना है, उस प्रकार की चीजें हम वहां से बच्चों से लिखवा सकते हैं। क्योंकि ये उसके माइंड को शार्प करने के लिए कि बेटा आपने सुना और सुने हुए को फिर हमने लिखा कि सर हमने आज ये बात सुनी थी अमुक दादाजी अमुक ताऊ जी अमुक मम्मी अमुक माँ जी दादी जी बुआ जी ये कहावत बोल रही थी, इस मुहावरे का प्रयोग वे कर रही थी, भैंस के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया, गाय के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया, इस प्रकार की चीज़ों को हम बच्चों से लिखवा सकते हैं। सामाजिक विज्ञान में भी वही है, गणित में बात आती है तो गणित में जैसे इस प्रकार के सवाल हो कि बच्चा अपने घर से लेके, या जैसे खेत का दे, हमने परिमाप ज्ञात करवाना है और परिमाप के लिए हम ये नहीं कहें कि एक साड़ी है उसमें कितनी किनारी लगेगी, नहीं गलत, हम उसे खेत दें कि बेटा आपके खेत की लंबाई और चौड़ाई ये है और उसमें तारबंदी करनी है, तीन तार लगाने, बताइए कितने लंबा तार की जरूरत पड़ेगी। तो इस प्रकार के सवाल हम दें बच्चों से, घर से जुड़ी हुई चीजें हैं, आपके घर में कुल मिला के एक कमरा है और उस एक कमरे की दीवार की ऊंचाई ये है, लंबाई ये है, चौड़ाई ये, चारों दीवारों की बता दी, अब बताइए आपको छत पर भी पेंट करना है तो कितना पेंट एक दीवार पर इतने में इतना लगेगा, या इस प्रकार से इसमें टाइल्स लगानी है तो बताइए कितने वर्ग फिट की टाइल एक दीवार पर लगेगी, पांचों दीवारों पर चारों दीवारों पर कितने टाइल्स लगेंगी, उस प्रकार का बच्चों को काम दिया जाना ज्यादा मुनासिब है। हाँ, प्रोजेक्ट वर्क देना मेरे हिसाब से सबसे सही रहेगा कक्षा 10, 11, 10, 12 और 8 के लिए, परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन प्रश्नों को दिया जाए और उनके जवाब जो है वो बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप में जैसे जैसे बच्चे पूछें वहां पर उनसे पूछने के लिए इस बात की आज़ादी दी जाए कि बेटा आप को लगे कि इस प्रश्न का मुझे सही जवाब नहीं आ रहा तो आप अपने विषय अध्यापक से उस ग्रुप के अंदर पूछ लेवें ताकि दूसरे बच्चे भी उस प्रश्न का हल जान सके। कोचिंग्स का या हम कहें कि ग्रुप्स का यही एक फायदा कि एक बार की मेहनत कई लोगों को फायदा पहुंचा सकती है। कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 छोटा होमवर्क, बच्चे की समझ बढ़ाने वाला, बच्चों के सामने छोटी छोटी मुसीबतें या हम कहें कि दिक्कतें और उन दिक्कतों को वो हल करे, क्योंकि दिक्कतें हल करने से सवालात हल होंगे और सवालात हल होंगे बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और वहां पर हम काम अपना कर रहे हैं। बच्चे का 5, 6 और 7 में बच्चे को समाज से, अपने घर से, परिवार से, इन चीजों से जुड़ी हुई सामग्री एकत्र करनी है, अलग अलग भांति के उनसे प्रकार के उनसे पेड़ पौधों की पत्तियां इकट्ठी करवा सकते हैं, फल इकट्ठे करवा सकते हैं, छोटी छोटी पन्नियों में जो भी हम अपने खेतों में अनाज बोते हैं उस अनाज के बीज, जैसे फल लगे हैं, ककड़ियां लगी हैं, मतीरी है, लौकी है, तुरई है, उनकी बीज एकत्र करवा कर वो अपने उसमें एक स्क्रैप बुक में चिपकाने के लिए कह सकते हैं, एक वर्ग पहेली आती है उन वर्ग पहेलियों को भरने के लिए कह सकते हैं, मुहावरों का कहावतों का संकलन करवाया जा सकता है, ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं। कक्षा 10, 8, 12 में सिर्फ होम उससे संबंधित, हाँ उनमें जैसे एक मानचित्र है राजस्थान भारत और विश्व के मानचित्र की पूर्ति करवा कर करके लानी है, या जैसे आउटलाइन है सिर्फ उस आउटलाइन में हमें स्टेट्स और उनकी राजधानियां भरनी है, तो इस प्रकार के एक तरफ हम स्टेट दे दें उसकी राजधानी भरनी है, एक तरफ राजधानी दे दी उसका स्टेट हमें बताना है कि इसका स्टेट कौन सा होगा, जयपुर दिख दिया अब राजस्थान, जयपुर किसकी राजधानी है तो हमें वहां पर स्टेट्स का कॉलम खाली छोड़ देना, एक भरना है एक खाली छोड़ना है, तो इससे क्या होगा बच्चा या तो गूगल करेगा या वो अपने सहपाठियों से पूछेगा, अपने घर वालों से पूछेगा और हमारा काम वहां पर पूरा हो रहा है। दीपावली की दीपावली, छुट्टी की छुट्टी, घर वालों का काम, ना बच्चे नाराज, ना घर वाले नाराज, ना शिक्षक नाराज, ना संस्था प्रधान नाराज, तो इस प्रकार से सारा काम बहुत ही स्मूथली तरीके से हम करें ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और जहां तक मेरा विश्वास है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद नहीं आया हो या कोई कमी रही हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से अपने अमूल्य सुझाव जरूर दें, चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बाकी ये
सब चलना ही है, छुट्टियां होनी है, कोर्स चलना है, ये सारा काम चलता रहेगा। तो अभी के लिए एक बार पुनः आपको मध्यावधि अवकाश के महत्वपूर्ण त्योहार दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, और अभी फिलहाल इजाजत का वक्त हो गया, तो इजाजत देवें। नमस्ते, शुक्रिया, जय हिंद।